शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज अडानी ग्रुप जिस दौर से गुजर रही है उस दौर से अंबानी परिवार भी गुजर चुका है। तकरीबन 40 साल पहले गौतम अडानी की तरह ही अंबानी परिवार भी मुश्किलों से घिर गया था। जिस तरह का हमला अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने किया है उसी तरह का हमला रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक धीरू भाई अंबानी पर कलकत्ता के दलालों ने किया था। लेकिन अंबानी परिवार ने शेयर बाजार के दलालों को पटखनी दी थी। उसके बाद ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या अडानी भी बदला ले पाएंगे। चलिए आपको 40 साल पहले अंबानी परिवार के साथ हुई उस घटना के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से शेयर बाजार को 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ गया था। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने शॉर्ट सेलर्स को बाद में ऐसा सबक सिखाया कि उनके होश ठिकाने आ गए। बात 1982 की है। उस वक्त रिलायंस के साथ 24 लाख से अधिक निवेशक जुड़ चुके थे। रिलायंस ने निवेशकों से पैसे उधार लेने के लिए डिबेंचर्स जारी किए थे। रिलायंस के शेयरों का प्राइस जितना बढ़ता निवेशकों से लिया कर्ज उतना ही कम होता जाता। धीरू भाई अंबानी को उम्मीद थी कि उसके शेयरों के दाम बढ़ते रहेंगे। इसी दौरान कोलकाता के कुछ प्रभावशाली ब्रोकर्स ने रिलायंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। दलाल शेयरों की कीमत को गिराकर उसे दोबारा खरीदकर लाभ कमाते थे। यही काम आज हिंडनबर्ग कर रहा है। 18 मार्च 1982 को शेयर दलालों ने रिलायंस के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। दलालों ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पहले ही दिन 3,50,000 शेयर बेच दिए, जिससे रिलायंस के शेयरों की कीमत 131 रुपए से गिरकर 121 रुपए पहुंच गई। इससे रिलायंस के शेयर में बिकवाली हावी हो गई। दरअसल दलालों को उम्मीद थी कि रिलायंस के शेयर और गिरेंगे और फिर वो उन शेयर को खरीदकर मुनाफा कमाएंगे। ठीक वही आज हिंडनबर्ग करने की सोच रहा है। लेकिन उस वक्त धीरू भाई अंबानी दलालों के गेम प्लान को समझ गए। धीरू भाई अंबानी ने अपने दोस्तों और बुल ब्रोकर से बात की। इसके बाद जहां एक तरफ दलाल रिलायंस के शेयरों को बेचकर उसकी कीमत गिरा रहे थे तो वहीं धीरू भाई अंबानी के कहने पर बुल्स उसे खरीद रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले दिन रिलायंस के शेयर 125 रुपए पर बंद हुए। शॉर्ट सेलर ने रिलायंस के 11 लाख शेयर बेच दिए। अंबानी के दोस्तों ने 8 लाख से ज्यादा शेयर खरीद भी लिए। वहीं शॉर्ट सेलर को तय सीमा के भीतर शेयरों का भुगतान करना होता है। ऐसा नहीं करने पर प्रति शेयर 50 रुपए फाइन भरनी पड़ती है। धीरू भाई अंबानी के पास चुनौती थी कि उन्हें रिलायंस के शेयरों की कीमत को उस दिन तक एक लेवल पर बनाए रखनी थी जब तक कि शॉर्ट सेलर का सेटलमेंट न हो जाए। सेटलमेंट के दिन रिलायंस के शेयर के दाम 131 रुपए के ऊपर पहुंच गई थी। शॉर्ट सेलर को कोई फायदा नहीं हुआ। अब शॉर्ट सेलर को या तो ऊंची कीमत पर खरीदारी कर शेयर देने थे या शेयर्स नहीं देने पर प्रति शेयर 50 रुपए का फाइन भरते। शॉर्ट सेलर को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद शेयर बाजार को 3 दिन तक बंद रखना पड़ा। 3 दिन बाद शेयर बाजार खुलने पर रिलायंस के शेयर के दाम 186 रुपए से अधिक पहुंच गए। मतलब धीरू भाई अंबानी के मास्टर स्ट्रोक ने शॉर्ट सेलर्स की सारी हेकड़ी निकाल दी। फिलहाल शॉर्ट सेलर गौतम अडानी को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि धीरू भाई अंबानी को अपना गुरु मानने वाले गौतम अडानी भी वही इतिहास दोहरा पाएंगे जो कभी धीरू भाई अंबानी ने किया था। भले ही आज अडानी ग्रुप मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि वह खुद को कैसे निकालते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।